तो 9 बजे शुरू हो गया था, लेकिन 9:30 बजे कांग्रेस के ही 2 MLA राघव जी भाई पटेल और घोड़ा भाई गोहिल दोनों वोटिंग करने के लिए आए। एज पर रूल दोनों को ये मैंडेटरी था कि वो अपना वोट हमारे ऑथोराइज एजेंट जो शक्ति सिंह गोहिल है उनको ही बताना, लेकिन उनके बताने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट को अपना वोट बताया। और उसी समय इलेक्शन कमीशन का वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था, इसलिए हमने मांग की है, उसी समय मांग की थी, रिटर्न में भी किया था कि ये वोट अंदर नहीं डालना चाहिए कोर्ट में और ये रद्द होना चाहिए। तभी ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिस अफसर थे उन्होंने कहा था कि मैं वीडियो देखकर डिसीजन लूंगा। हमने वीडियो ज्वाइंटली देखने के लिए आग्रह किया कि बीजेपी कांग्रेस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर साथ में मिलकर ये पूरा वीडियो देखें और उसके बाद प्रिसाइडिंग अफसर डिसीजन दे। लेकिन भाजपा ने ऑब्जेक्शन लिया इसलिए कि ये वोट दोनों कैंडिडेट जो दोनों MLA थे उन्होंने ओपन कर दिया, और ये ऐसी तरह ओपन होने के कारण हरियाणा और राजस्थान दोनों में राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसे वोट रद्द किया गया था, कैंसिल किया गया था। लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। रूल एक ही होना चाहिए, जो हरियाणा में हुआ जो राजस्थान में हुआ वही गुजरात में 2 MLA ने अपना वोट ओपन करके बीजेपी के कैंडिडेट को दिखाया। पहले भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत की, करोड़ ऑफ रुपीज की बैग लेकर हर MLA के घर पे गए, उनको ये लालच दी गई, पुलिस अफसर का उपयोग करके धमकियां दी गई, हमारा 1 MLA का किडनैप करके उनके घर ले जाकर जो बीजेपी के कैंडिडेट अमित शाह थे उनके साथ बात करवाने के भी दबाव डाला गया। उसके बाद हम वहां भी यहां से बेंगलोर हमारे MLA को ले गए, वहां भी ये जो रिसोर्ट पर हमारे MLA थे वहां इनकम टैक्स की अफेयर डाली गई, हमारे MLA की इंट्रोगेशन वहां भी की गई, वहां भी धमकियां देने की कोशिश हुई। इसलिए ये पहले से ये चुनाव उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे तो भी ऐसी तरह खरीद फरोख की राजनीति करके वो जीतना चाहते, और इसलिए आज मॉर्निंग में भी यही कोशिश हुई कि जो हमारे कांग्रेस के MLA थे उनका वोट बीजेपी को दिखा रहे थे कि देखो आप मैंने आपको वोट दिया। ऐसी तरह कभी नहीं चल सकता, ये इलेक्शन कमीशन का रूल के मुताबिक चलना चाहिए। हमने ऑब्जेक्शन दिया था 9:30 बजे सुबह लिया था, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन भी दबाव में, अगर दबाव में नहीं होता तो उसी समय जैसी तरह राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह तुरंत ही ये वोट रद्द किया गया था, बैलेट बॉक्स में डालने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन यहाँ डालने दिया गया और आज काउंटिंग में लेने के लिए आग्रह भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। हम अभी भी अपेक्षा करते हैं कि जो भी घटना है पूरी वीडियो के सामने, ऐसा नहीं कि इसको छुपी जगह पे होता है, और ये वोट रद्द बातल होंगे। और वैसे भी इतनी खरीद फरोख के बाद भी कांग्रेस पार्टी 45 वोट लेकर जीत रही है, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन जो न्याय है हम न्याय के लिए बात कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। मॉर्निंग में 9:30 बजे हमने उसी समय पे उठाया था, वीडियो में रिकॉर्डेड है वो ऑब्जेक्शन, तुरंत ही आधे घंटे में हमने लिखित तौर पर दिया कि वोट रद्द बातल होना चाहिए, मॉर्निंग में दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन पर भी इतना दबाव डाला जा रहा है। पहले सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग अफसर थे DM पटेल उन्होंने कहा कि आप सबके सामने मैं वीडियो में देखूंगा और उसके बाद डिसीजन दूंगा, लेकिन तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आए, उन्होंने दबाव डाला, उसके बाद वो ज्वाइंटली जो वीडियो देखना था उन्होंने मना कर दिया और अपनी बात में से जो पीछे। हम सब जानते हैं कि जो प्रिसाइडिंग अफसर
उसको दूसरी दफा एक्सटेंशन दिया गया, इसलिए वो दबाव में। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आज तक ऐसे दबाव में नहीं आए हैं, उनको दबाव में नहीं आना चाहिए। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, बीजेपी के उम्मीदवार और अजीत परमार और उनके वोट उठाने के मामले में उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने भी वोट दिखाया है, हमने ये बात कही है, ये आरोप लगा रहे हैं, हमने कहा कि वीडियो देख लो, अगर किसी ने वोट दिखाया है कोई भी हो उसका रद्द होना चाहिए, सभी जगह रद्द हुआ। कांग्रेस का हारने का सवाल ही नहीं है, हमारे पास आज पर्याप्त जितना वोट चाहिए उससे ज्यादा वोट आए थे और हम जीत रहे। ये दोनों वोट अगर रद्द नहीं भी होते हैं तब भी कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है। सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव डाल रहे हैं, इसकी वजह से जो घटना सुबह 9:30 बजे हुई और उसी समय हमारा ऑब्जेक्शन हमने रिकॉर्ड किया, उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना दबाव है। दूसरी बात, इतना दबाव है कि एक दफा जो प्रिसाइडिंग अफसर है उन्होंने डिसीजन दे दिया कि हम जॉइंटली बीजेपी कांग्रेस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में ये वीडियो देखेंगे और उनके बाद डिसीजन लेंगे। दबाव डाला गया, उन्होंने अपनी बात फिर से वापस ले ली। क्यों? दोनों की बात सुननी चाहिए और प्रिसाइडिंग अफसर इंडिपेंडेंटली उनको डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने जो डिसीजन दिया था वो भी उसमें से वो विथड्रॉ हो गए वापस। हम अपेक्षा करते हैं कि उस पर जल्दी डिसीजन आ जाए और इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की आजादी के बाद इंडिपेंडेंट रहा है। सारी दुनिया हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो अभी तक की न्यूट्रलिटी रही है उस पर विश्वास रखा है ये, और ऐसी जिस आधार पर हमारे हरियाणा में हमारा एमएलए का वोट रद्द हुआ था, हमारे एक एमएलए का राजस्थान में वोट रद्द हुआ था, उसी आधार पर यहाँ वोट रद्द होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है और ये डिमांड तुरंत ही मान्य रखनी चाहिए थी, लेकिन आज तक उन्होंने अभी तक उन्होंने मान्य न रखी। डिमांड है वो ओवर हो जाती है तो अब आज के दिन क्या गिनती हो पाएगी नहीं हो पाएगी? क्या गिनती होगी और गिनती में किसी भी स्थिति में कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं अभी। देखो उसका मतलब ये है कि सरकार को प्रिसाइडिंग अफसर ने क्या डिसीजन दिया है सरकार को मालूम है, हमें आज तक बताया गया नहीं है कि हमने ऑब्जेक्शन आपका है ओवर रूल किया। तो कितना ये प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों कैसी तरह इन कॉन्वाइवेंस काम करते हैं और कितना दबाव में है ये उससे मालूम हो जाए। हम आगे सोचेंगे लेकिन अभी तो चुनाव गिनती कभी भी हो ये चुनाव हम जीत रहे हैं। भाजप पहले तो ये हुआ कि आज सुबह में पुरुषोत्तम सोलंकी जी आए और उन्होंने कंपेनियन अपने साथ हैंडी, वो बीमार है इसलिए कंपेनियन की मांग की थी, उनको कंपेनियन दिया गया। हमारे जो दार्शी को खानपुरा हमारे एमएलए हैं उनके लिए भी हमने कहा था कि भाई उनको कंपेनियन चाहिए, और जब ये पुरुषोत्तम सोलंकी का जब वोटिंग हो रहा था तब हमने कहा था कि उन्हें हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन आपको भी दूसरे में ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन गार्थी खानपुरा में नियम बताया गया और बाद में नियम बता के कहे कि इसमें हम ऑब्जेक्शन है हमारा, तो हमने कहा कि अभी गार्थी खानपुरा ही वोटिंग करेंगे और उन्होंने वोटिंग किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी प्रिसाइडिंग अफसर के डिस्क्रेशन पर। कोई रिटर्न में कोई ऑब्जेक्शन किसी के सामने नहीं आया, हमारा रीजन में टाइम लिखकर
वीडियो देखकर डिसीजन ले, ऐसा हमने लिख कर दिया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ऐसा बोला कि आप कांग्रेस वाले साइन नहीं करते, ये डिसीजन स्वीकार नहीं करते, ये चीज रुकावट है। हमने कोई साइन करने का सवाल ही नहीं है, हमने ऑब्जेक्शन दिया है और मॉर्निंग में दिया, अभी नहीं दिया है। आज तक बीजेपी का हमारे कोई कौन एक भी एमएलए के सामने कंप्लेन नहीं। थैंक यू। तो जी रीते हाल तो मतगणतरी में विलंब थई रह्यो छे। अर्जुन मोढवाड़ियाए निवेदन आप्यो छे, नियम बधे सरखो होवो जोईए तेवू अर्जुन मोढवाड़ियाए जणाव्यु छे।